हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गज़ब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह का 6:30 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं सुबह के 6:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो आज मेरी तबीयत कल से बेटर है, तो आज मैं 6 बजे ही उठ गई थी और 6 बजे उठने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं आई बालकनी में, क्योंकि सुबह सुबह उठ के बालकनी में आना, ताज़ी ताज़ी हवा खाना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है और साथ ही थोड़ी बहुत जो है एक्सरसाइज हो जाती है और साथ में ही चिड़ियों का चहचहाना ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई किचन में कि सुबह की चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय तो मेरे लिए अमृत के समान है। तो फिलहाल चाय लेकर मैं आ गई हॉल में और थोड़ी देर सुकून से खड़े होके मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मेरे से बिल्कुल एनर्जी और फुर्ती आ जाती है। तो फिलहाल चाय ख़त्म करने के बाद मैं लग गई सीधे अपने घर के क्लीनिंग के कामों में। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँ, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल मैंने पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी, पोछा वगैरह नहीं किया था मैंने कल। तो आज मैं झाड़ू पोछा पूरा बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये सारा सामान समेट रही हूँ। सुमित रात में जो है यहीं पे बैठ के अपने ऑफिस का काम करते हैं, तो सुबह जो है वो जैसा सामान होता है ना वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं कि जैसे उन्हें दोबारा इस सामान की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैंने ये सामान समेटा, उसके बाद मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि कल मैंने डस्टिंग भी नहीं की थी। तो सोफ़ा वगैरह चेयर वगैरह अच्छे से साफ करके हर कमरे में मैंने ऐसे ही डस्टिंग अच्छे से प्रॉपरली कर दी, ताकि इसके बाद फिर जो है मैं झाड़ू लगाऊं। और यहाँ की डस्टिंग करने के बाद सोचा चलो किचन में चलते हैं, किचन के भी जो है डब्बे वगैरह साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अगर झाड़ू लगाने के बाद करेंगे तो फिर गंदगी उतनी ही फैलेगी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं जो है अपने किचन के डब्बे वगैरह साफ़ करने लगी है। डब्बे का स्टैंड है, सोचा इसको भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। ऐसे तो मेरे किचन के डब्बे वगैरह हमेशा ही साफ़ रहते हैं, मैं जब भी जो भी सामान निकालती हूँ तो तुरंत उस डब्बे को कपड़े से पोंछ कर रख देती हूँ। तो फिलहाल सोचा कि ये स्टैंड तो साफ़ ही कर रहे हैं, लगे हाथ कप डब्बों में भी एक बार फिर से कपड़ा मार देते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और साथ ही दिवाली आ रही है तो दिवाली की भी सफाई धीरे धीरे मैं करती जा रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं ढेर सारा काम ना मैं एक साथ नहीं कर पाती हूँ, तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके काम डेली करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे डब्बा वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ करके स्टैंड अपना जो है अच्छे से सेट कर दिया है, उसके बाद जो है प्रॉपरली यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाकर अच्छे से पूरा साफ करके बढ़िया निकाल लिया है। उसके बाद फिर सोचा कि चलो अब लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि डस्टिंग वगैरह तो प्रॉपरली अच्छे से मैंने कर दी। तो उसके बाद जो है मैं झाड़ू लेकर आ गई हूँ अपने हॉल में। तो झाड़ू मैं जब भी लगाती हूँ ना, तो झाड़ू मैं हमेशा घर के बाहर से लगाना स्टार्ट करती हूँ। कहते हैं ना कि झाड़ू आप जब भी लगाओ तो अपने एक बार मेन गेट पे भी झाड़ू मारना चाहिए। वैसे तो क्लीनिंग के लिए यहाँ पे रोज आते हैं, गेट के बाहर की क्लीनिंग करके जाते हैं, बट फिर भी मैं जब भी झाड़ू पोछा करती हूँ तो मैं गेट के बाहर भी एक बार झाड़ू मार देती हूँ। और झाड़ू मारते हुए अगर मुझे कहीं जाला वगैरह दिखता जाता है ना, तो वो भी मैं झाड़ती जाती हूँ। तो फिलहाल झाड़ू वगैरह तो मैंने प्रॉपरली अच्छे से आज लगा रही हूँ, क्योंकि कल झाड़ू मैंने सामने सामने ही मारी थी। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बस कैसे तैसे करके मैंने कल का काम निपटाया था। तो फिलहाल झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में कि सोचा पोछा लगाने से पहले जो है किचन के बर्तन वगैरह जो है सुबह के चाय नाश्ते के सुमित ने किए थे वो बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और हाँ दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ और है मेरे लिए कि अभी जो है मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ने लगी है और मेरे वीडियोज़ पर पहले से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं। तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हाँ इतने ज़्यादा लाइक और कमेंट नहीं आते हैं, तो फिलहाल जितने भी लाइक और कमेंट आते हैं थोड़े बहुत, मैं उतने में ही खुश हो जाती हूँ और उतने से ही काम चला लेती हूँ। मैं यूट्यूब पे जब भी किसी बड़े व्लॉगर के वीडियोज़ देखती हूँ ना, तो उनके इतने सारे लाइक और कमेंट देखती हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कि काश जल्दी से मेरी भी यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी हो जाए, मुझे भी ढेर सारे लाइक मिले, मेरे वीडियोज़ पर भी ढेर सारे कमेंट करें, मुझे कमेंट करके बताएँ कि मैं क्या अच्छा करूं, क्या कमी है और मैंने क्या अच्छा किया, ये सब पढ़ के अच्छा लगता है ना। तो मुझे भी अपने वीडियोस पे अपनी यूट्यूब फैमिली के जो है कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और जो थोड़े बहुत कमेंट आते भी हैं ना मेरे वीडियोस पे, मैं उनको सभी को पढ़ती हूँ और सभी के रिप्लाई देती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना। और मुझे सच्ची बताऊँ, बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है आप लोगों के कमेंट का। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ पर आपको जो भी अच्छा
अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताया कीजिए। मैं आप सभी लोगों के कमेंट जो है जब भी फ्री होती हूँ टाइम निकाल के पढ़ती हूँ और सभी के रिप्लाई करती हूँ। तो फिलहाल झाड़ू लगाने के बाद किचन में यहाँ पर मैंने अपने सुबह के सारे बर्तन भी साफ़ करके रख लिए हैं और किचन को पोंछ के अच्छे से साफ़ करके बढ़िया चमका दिया है। तो किचन को साफ़ करने के बाद अब मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि ये जो पानी वाले काम होते हैं ना ये सारे मैं पोछा लगाने से पहले ही कर लेती हूँ और अच्छे से पोंछ के साफ़ कर देती हूँ अपना किचन का सिंक वगैरह, उसके बाद फिर जो है ये पोछा वगैरह का काम करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे भी मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं पोछा भी बहुत विधिवत लगा रही हूँ, क्योंकि कल तो पोछा मैंने लगाया नहीं था, तो मेरे मन में एक वहम बैठ जाता है ना, घर बहुत गंदा है, तो मैं सारा सामान एक एक हटा के पूरा विधिवत आज पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाती जा रही हूँ और जो सामान जहाँ था उसको वैसे ही सेट करती जा रही हूँ। तो फिलहाल पोछा वगैरह तो मेरा मैंने लगा लिया, थक जाती हूँ लेकिन फिर भी रेस्ट कर करके काम मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ, सारे निपटा लेती हूँ। और पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए और नहाकर अभी मैं वापस आ गई हूँ अपने मंदिर में और करने लगी हूँ अपने लड्डू गोपाल की पूजा। और पूजा ख़त्म करने के बाद फिर मैं आई अपने किचन में कि चलो थोड़ा सा अपने लिए कुछ नाश्ता बना लेते हैं, सुमित तो सो रहे हैं, नाश्ता मुझे अकेले को ही करना है। पता है मुझे आप ये मेरी बॉटल देख रहे हैं कि मैंने बॉटल में क्या रखा हुआ है, तो बॉटल में ये घी है, ये सूजी भूनने के लिए मैंने एक चम्मच घी निकाला है। तो आप सोच रहे हैं ना कि मैंने बॉटल में घी क्यों रखा, तो ये मेरी सासू माँ ने जब मैं कानपुर से आ रही थी ना तब उन्होंने बॉटल में करके घी दिया था कि ताकि अच्छे से पहुँच जाए, रास्ते में कहीं फैले वगैरह नहीं। और उन्होंने कहा भी था कि वहाँ पहुँच के घी जो है बॉटल से निकाल के डब्बे में रख लेना, बट अभी तक मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बॉटल से घी निकाल के रख लूँ और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं बॉटल से ही निकाल निकाल के काम चला लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ सूजी का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और इधर मैं लड्डू, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के लिए हलवा निकाल रही हूँ। लड्डू गोपाल को भोग में जो है हलवा चढ़ाकर उसके बाद फिर मैं निकाल रही हूँ अपने लिए हलवा। और हलवा निकाल कर आई थी मैं यहाँ किचन, यहाँ सॉरी अपने हॉल में लेके, तो मुझे याद आया कि सबसे पहले चलो ये अपने बालों से टॉवल हटा देते हैं, क्योंकि सर तो मेरा ऐसे ही दो दिन से बहुत दुख रहा है और मैंने दो दिन से अपने बालों में इतना हैवी तरह से तेल लगा रखा था, कटोरियाँ भर भर के बिल्कुल चंपू चंपू सी, चिपकू चिपकू सी बन गई थी, बड़ी अजीब ही लग रही थी मैं देखने में, बहुत ही जैसे बीमार बीमार सी। तो मैंने आज हेयर वॉश किया तो अभी थोड़ा चेहरा भी ठीक लग रहा है और अभी थोड़े बाल भी मुझे सही लग रहे हैं। फिलहाल ऑयलिंग करने से मुझे बड़ा आराम मिला। तो हेयर वगैरह सुखाने के बाद झाड़ने के बाद मैं हॉल में आ गई और मैंने बस ये हलवा के दो ही बाइट खाए थे ना कि कचरे वाली आंटी आ गई जो कचरा लेने के लिए आती हैं, और उनका है ना कि वो आती हैं तो नीचे ज़्यादा देर तक नहीं रुकती हैं, तो फटाफट कचरा लेने देने के लिए उनको जाना पड़ता है, नहीं तो फिर अगर वो चली गई तो कचरा रखा रह जाएगा। तो फिलहाल मैंने सोचा हलवा बाद में खाएंगे, सबसे पहले चलते हैं आंटी को कचरा दे के आ जाते हैं। तो मैं चली गई कचरा देने के लिए कि बाद में लौट के आके मैं हलवा खाऊँगी। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का छोटू सा मिनी व्लॉग। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे।